प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो टाइप्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं? इट इज़ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। इसका डेफिनेशन कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज है कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टूड किया जाने वाला। इसका एग्जाम्पल में बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और आस्की, ये सब इसके एग्जाम्पल्स आते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का डेफिनेशन ये है, हाई लेवल लैंग्वेज रिफर्स टू द हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कि एब्स्ट्रैक्शन होता है, मान ली कम्युनिकेशन मान लेते हैं, कम्युनिकेशन जो कि दोनों आसानी से समझ सके, ऐसे लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स कोड। सोर्स कोड किसे कहते हैं? सोर्स कोड इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ सम लाइंस क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के द्वारा कुछ लाइंस लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। इसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एसेट्रा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोड जनरली रेफर्स टू द आउटपुट ऑफ सोर्स कोड विच इज कंपाइल्ड। इसका मतलब ये है, अभी हम सोर्स कोड का डेफिनेशन देखे थे कि एक स्टेटमेंट होता है कुछ लाइंस का प्रोग्रामर द्वारा लिखा हुआ, और उसी लाइंस को जब हम कंपाइल कर देते हैं तो उसका आउटपुट जो होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। कुछ लाइंस लिखा गया, कंपाइलर से कंपाइल किया गया, उसका जो आउटपुट हुआ उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, चैप्टर वन के ऊपर, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंपाइलेशन, लिंकिंग, ये सब पे हम डिस्कस अभी करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का डिफिनेशन ये है, एन एल्गोरिदम इज ए प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब है कि एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसीजर होता है, फॉर्मूला होता है नॉर्मल लैंग्वेज में। इसका पॉइंट टू है, इट यूजली मींस स्मॉल प्रोसीजर दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्मॉल प्रोसीजर को हम एल्गोरिदम कहते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है, इट इज़ अ थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। इसका मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्विंग को अगर हम थियोरेटिकल रूप में लिख देते हैं, थ्योरी रूप में, उसे हम एल्गोरिदम कह सकते हैं। ठीक, अब हम एल्गोरिदम का एग्जांपल देखते हैं, एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं। एल्गोरिदम हम मान लीजिए हम एडिंग ऑफ टू नंबर्स का बनाते हैं कि दो नंबर के ऐड करने के लिए एल्गोरिदम बनाइए। ठीक है, एल्गोरिदम किसी को भी स्टार्ट करने से पहले उसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है और लास्ट में स्टॉप होता है। उसके बीच में कुछ लाइंस लिखे रहते हैं जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट लाइन कहता है डिक्लेयर थ्री वेरिएबल ए, बी और सी। वेरिएबल्स हम लोग मैथ में पढ़े ही हुए कि कोई भी नंबर्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर चेंज हो सकता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है एड वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। इसका मतलब ए और बी के वेरिएबल्स के वैल्यू को हम ऐड करेंगे। और थर्ड पॉइंट है स्टोर वेरिएबल वैल्यू इन थर्ड वेरिएबल, मतलब स्टोर वैल्यू इन थर्ड वेरिएबल। ए और बी के वैल्यू को हम थर्ड वेरिएबल सी में हम स्टोर करेंगे, जिसे हम डिस्प्ले द थर्ड वेरिएबल। तब अगर हम सी को डिनोट करेंगे, सी को प्रिंट करेंगे, तो उसमें हम ए और बी का एडिशन देख सकते हैं, उसके बाद स्टॉप। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का डेफिनेशन ये है, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। कि मतलब फ्लो चार्ट किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट कहते हैं। इट कंटेन्स सम सिंबल, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं